नई सुबह के YouTube चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। अस्सलाम वालेकुम। नई सुबह के इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम के किचन टिप्स के साथ मैं हूं आयशा अहमद। आज हम आपको सिखाएंगे कि आप अपने घर में हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चों को देर तक ताज़ा कैसे रख सकते हैं। सबसे पहले हम हरी मिर्चों को वॉश कर लेते हैं। वॉश करने के बाद आप इसे किसी कपड़े पर या किसी सरफेस पर फैला दें। खुश्क होने पर इसकी तमाम डंडियों को तोड़ के ज़ाया कर दीजिए और अब इन हरी मिर्चों को किचन टॉवल में रैप अप करके एयरटाइट बॉक्स में पैक करने के बाद फ्रिज में रख लें। इस तरह आपकी हरी मिर्चें 15 दिन तक बिल्कुल ताज़ा रहेंगी। हरा धनिया को लेकर इसका बंच दरमियान से खोल लें। जब इसकी बेल्ट को आप ओपन करेंगे इसके बाद इसके तमाम पत्तों को और इसके तमाम टहनियों को अच्छी तरीके से चेक कर लें। अगर इसमें कोई खराब पत्तियां हों या कोई घास फूस हो उसे निकाल कर फेंक दीजिए। इसके बाद इसके एंड्स थोड़े से रिमूव करने के बाद इसको भी किचन टॉवल में रैप अप करके एयरटाइट बॉक्स में पैक करने के बाद फ्रिज में रख दें। पुदीने की पत्तियों को अलग-अलग करके इसकी डंडियों को जाया कर दीजिए और इसकी पत्तियों को भी आप किचन टॉवल में रैप अप करने के बाद एयरटाइट बॉक्स में पैक करने के बाद फ्रिज में रख लीजिए। नोट, अगर आपके पास किचन टॉवल नहीं है तो आप ब्राउन पेपर इस्तेमाल कर सकते हैं। कागज के लिफाफे में बंद करने से इसके अंदर मौजूद मॉइस्चर खुद बहुत खत्म हो जाएगा और आपकी जो सब्जियां या कोई भी चीज है वो देर तक ताजा रहेगी। तो आप तक के लिए इतना ही। अगली टिप के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए रास्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।